हे फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आप अपने फ़ोन में अलार्म सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी और सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको देखनी है और फॉलो करनी है। तो वीडियो की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है क्लॉक नेम से, जो कि सभी के फ़ोन में होती है। हम इसको ओपन करेंगे। जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ से आपको प्लस का आइकन देखने को मिलता है, आपको उस पर टैप करना है। एंड यहाँ से आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आप जिस भी आर का अलार्म सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अलार्म सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप आर सेट कर लेंगे। एंड यहाँ से आप मिनट सेट कर सकते हैं। देन यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है एम पी एम का, यहाँ से आप एम एंड पी एम सेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है रिंगटोन का, आपको रिंगटोन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रिंगटोन पर टैप करते हैं यहाँ से आपको बहुत सारे साउंड शो होने लगते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी साउंड सिलेक्ट कर सकते हैं, आप इनको ऑन करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी साउंड सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन में अलार्म सेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अलार्म सेट कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑफ़ करना चाहते हैं तो आपको सिंपली इसको ऑफ़ कर देना है। एंड अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आपको इस पर प्रेस करके रखना है। एंड यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है डिलीट का, आपको सिंपली डिलीट पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अलार्म सेटिंग कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो।